पुत्र अभी हम सो रहे हैं। पुत्र मुझे समाचार पत्र या विज्ञापन कार्यालय तक पहुंचा दोगे? रामलीला तो खत्म हो गई, तो फिर तुम कुंभकर्ण की तरह क्यों सो रहे हो? चलो अच्छा है, छोड़ देते हैं। पर चाचा इतनी गर्मी में रामलीला के कपड़े पहन के काहे टहल रहे हो? गर्मी में खुजली उजली हो जाएगी। ₹20 हुआ चाचा। अभी आशीर्वाद से काम चला लो, तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। अरे चाचा आशीर्वाद से थोड़ी पेट भरता है, और आग से ज्यादा तो एक गदा में वजन था। आप गए हम। ठीक है, तुम इंतजार करो, हमें वापस वहीं जाना है। आराम कर लो थोड़ा सा। अरे यार ये तुम्हारा सुरेश कुमार अभी तक नहीं आया। सर आजकल ये टीवी वालों के ना ऐसी टेंट्रम्स होते हैं, और सुरेश कुमार तो आजकल के टीवी सीरियल नंबर 1, फिर हनुमान में फिर से हनुमान का मेन रोल कर रहा है सर। अरे यार अभी तक तो भगवान खुद प्रकट हो जाते। सर ये अपने आप को असली हनुमान से कम थोड़ी समझता है। आज की तारीख में 3-3 सीरियल चल रहे हैं इसके, पवन पुत्र हनुमान, मैं हूँ हनुमान, और ये सबसे लेटेस्ट फिर हनुमान सर। आ गए सर। अबे ये तो बिना मेकअप ही उतारे यहाँ आ गया है? यहाँ कोई टीवी सीरियल की शूटिंग नहीं हो रही है, यहाँ हम अखबार का इंटरव्यू लेने वाले हैं। सर वो आजकल चैनल वाले ना कैरेक्टर में ही इंटरव्यू करवाते हैं, सीरियल की पब्लिसिटी के लिए सर। अच्छा हर जगह ऐसे ही जाते हैं। बैठो सर, प्लीज सर बैठिए। सर बैठिए। बम बम अखबार में आपका स्वागत है। तो सर शुरू करें? मैं कह रहा था कि पहला सवाल, आपको हनुमान बनने की प्रेरणा कहां से मिली? मैं तो युगो युगो से हनुमान हूं। वाह वाह बहुत अच्छे। अच्छा एक बात बताइए, हमने सुना है कि आप कैरेक्टर में घुस जाते हैं, और अगर आपको मेकअप वे नहीं मिले तो आप बार बार गदा उठाकर मारने की धमकी देते हैं। क्या सर ये सवाल मत करिए, इनके पास अभी भी गदा है ना। अच्छा ये बताइए, अंजनी पुत्र सीरियल करने के बाद पवन सुत सीरियल का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अंजनी पुत्र पवन सुत रामा दोनों मैं ही हूँ। वाह। अच्छा र्यूमर है कि बाल हनुमान में जो आपको रोल मिला वो प्रोड्यूसर रामचंद्र ने डायरेक्टर सुग्रीव लाल की सिफारिश पर आपको दिया। सुग्रीव जी मेरे पिता तुल्य हैं, और श्री राम के सन्निकट जाने के लिए मुझे क्या, किसी को भी किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं। सही सही। अच्छा ये बताइए, अच्छा आपसे पहले दारा सिंह जी हनुमान बनते थे, तो क्या आप उनको रोल मॉडल मानते हैं? दारा सिंह जी अच्छे अभिनेता हैं, और मुझे किसी से प्रेरणा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं स्वयं ही हनुमान हूँ। अरे यार ये क्या है यार। सर ये इतने सालों से हनुमान का रोल करते करते ये खुद को असली हनुमान समझने लगे हैं। ओ क्या अभी रैपिड फायर क्वेश्चंस, आप अंग्रेजी समझते हैं ना? नहीं मेरा मतलब आपको अंग्रेजी आती है ना? मैं अपने भक्तों की हर भाषा समझता हूँ, हिंदी इंग्लिश तेलुगु बंगाली मराठी गुजराती सब, साणू पंजाबी भी आंदी है। अरे वाह यार आप तो बहुत पढ़े लिखे। अच्छा ये बताइए कि आपका फेवरेट हॉलीडे स्पॉट कौन सा? अयोध्या। आपका फेवरेट फूड? तुलसी पत्ती। तुलसी पत्ती वाह। और आपकी फेवरेट फिल्म? संपूर्ण रामायण। और आपका फेवरेट सॉन्ग? रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल युग। बस 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 आपका समय समाप्त। आज के बाद टीवी हिस्ट्री में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आपसे बेहतर हनुमान तो खुद भगवान हनुमान भी नहीं होंगे। क्या बेबी आई एम बिजी एक्चुअली, एक छोटा सा इंटरव्यू है, उसके बाद फिर मैं तुमसे मिलता हूँ। सॉरी गाइज आई एम लिटिल बिट लेट, और एक्चुअली मुझे कुछ जरूरी काम था जिसकी वजह से मुझे थोड़ा
सो प्लीज मेक इट फास्ट, आपको जो कुछ इंटरव्यू में लेना है जल्दी जल्दी कीजिए। अबे ये कौन है? सर यही तो टीवी स्टार सुरेश कुमार हैं जो हनुमान का रोल करते हैं। अगर ये स्टार हनुमान है तो ये क्या स्ट्रगलर हनुमान है? देखिए अगर इन डुप्लीकेट हनुमान के चक्कर में मेरा टाइम खराब करना है आप लोगों को तो मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे अभी एक दूसरा सीन फिनिश करने जाना है, जल्दी कीजिए। सॉरी सर, सॉरी सर, प्लीज प्लीज प्लीज, वेरी सॉरी, आप बैठिए प्लीज सर, प्लीज। आप कौन है? हनुमान। अरे तो मेरे बाप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपने मंदिर के पुजारी के लिए इश्तेहार देने आया था। इश्तेहार देने आया था? अबे यार ये तो ऐड देने आया यार, ये ऐड वैड के सेक्शन में ले जाओ इनको, तो बाहर यार। जाता हूँ। रिकॉर्ड में आधा घंटा मगजमारी की। वाह रे इंसान, इस दुनिया में भगवान की एक्टिंग करने वाले को भगवान मानता है और स्वयं भगवान को पूछता तक नहीं। शायद मैंने इस रूप में आके गलती की है, मुझे भी इनकी तरह बनके ही इनसे काम निकलवाना पड़ेगा। हे प्रभु, आप सही कह गए थे, कलयुग में एक दिन ऐसा आएगा हंस चुगेगा दाना, कौआ मोती खाएगा। पर शायद कलयुग में आपने मुझे इसलिए जीवित रखा कि मैं इंसान की आंखों से लोभ लालच की पट्टी हटा सकूं।